अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर छत्तीसगढ़ में मां कुशलाई दाई के मंदिर में सुंदरकांड पाठ व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं श्रद्धालु ने सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अंतिम छोर महानदी के निकट कोसीर में आदि शक्ति मां कुशलाई दाई का प्राचीन मंदिर स्थापित है। इतिहासकारों की माने तो कोसीर प्राचीन कला में कुश की राजधानी थी, इसीलिए इसका नाम कोसीर पड़ा, जहां सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने माता के दर्शन किए और सभी को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की बधाई दी। वहीं गांव वालों और युवा सेवा संगठन में भी खासा उत्साह देखा गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ रामायण शोध संस्थान प्रमुख स्वर्गीय डॉक्टर मनुलाल यदु ने अपने शोध में बताया था कि भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के कई साल छत्तीसगढ़ में भी बिताए हैं, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। प्राचीन काल में कोसेल नरेश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो मां कुशलाई का मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिस पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोसीर के कण कण में राम बसे हैं। आपको बता दें कि कोसीर में भी लगभग 10 वर्षों से भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है, परंतु निर्माण नहीं हो पाया। वहीं अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन होने के बाद कहीं ना कहीं कोसीर में भी राम मंदिर निर्माण की योजना अब आगे बढ़ सकती है। रायगढ़ सारंगढ़ से श्याम कुमार पटेल। इतिहासकार लोग मानते हैं कि कोसीर एक ऐतिहासिक नगरी है। पुरातत्व विभाग यहाँ बहुत पहले आई थी, आज से 30 वर्ष पूर्व, और यहाँ की बहुत सारे चीजों को लेकर के अध्ययन किए थे। उनका मानना है कि कोसीर जो है पुरातिक गांव है और पुरातिक मंदिर है। कौशलेश्वरी गांव में हृदय स्थल कौशलेश्वरी माँ के नाम से जानते हैं, गांव ग्राम्य देवी कहते हैं गांव में। लेकिन अगर इतिहास की दृष्टि से बात करें, ईश्वर शरण पांडे या स्वर्गीय यदु जी, तो उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक नगरी है, कुश की नगरी है। उनका मानना है कि इनका उल्लेख रामायण में मिलता है। प्रमाणों के साथ उनका कहना है कि ये कुश की नगरी है, और वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं तो कुछ उनका अध्ययन रहा होगा। उन्होंने लिखना भी यहाँ के लिए चालू शुरू किए थे, पर वो उनका जीवन साथ नहीं दिया और गुजर गए। पर उन्होंने कोसीर के लिए बहुत कुछ लिखा है, उनको अध्ययन करना चाहिए। अगर रामायण अगर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दोहे में कोसीर का कौशल्या की जिक्र होगी। जहाँ पर कौशल्या की जिक्र होगी वहीं कोसीर का जिक्र होगा, और वहीं से ही यहाँ की पहचान होगी। अध्ययन करने से और अधिक यहाँ के बारे में जानकारी हो सकती है। गांव के सेवा संगठन के द्वारा भव्य मां कौशलेश्वरी मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया, और ऐसे ही हमेशा सामाजिक कार्यों में हमारा जो टीम है, सेवा समिति है, वो कार्य करती रहती है। जैसे नवरात्रि में भंडारे का कार्य करती है, पीछे मंदिर तालाब तरफ सौंदर्यीकरण का भी काम अभी टीम के द्वारा कराना है, जो अभी नवरात्रि के पहले तक हो सकता है। और आज तो बहुत ही पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर भगवान की कीर्तन भजन सुंदरकांड का पाठ किया गया, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा इस तरह सामाजिक कार्यों में हमारा संगठन चढ़ बढ़कर भागीदारी प्राप्त करे। आज के इस भूमि पूजन निर्माण में यहाँ कौन कौन मुख्य रूप से शामिल हुए थे? सर, यहाँ मुख्य रूप से दीपोत्सव में सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे टीम के द्वारा आग्रह करने पर शामिल हुए थे। उनके द्वारा सर्वप्रथम माता रानी की दरबार में दीप प्रज्वलित किया गया, तत्पश्चात सारे दीपों को अपने सहयोगियों के साथ दीप जलाया गया। कुशलाई माँ के बारे में जो महत्व है, हमारे बाबा जी बताया कर अनुसार से साक्षात देवी, ये जो एक बार हमारे बाबा जी यहाँ बैठे रहे, बड़ा भारी विपत्ति में रही, लेकिन माँ से करुण पुकार करें तो नवरात्रि के समय में जो मुख्य जो दीपक जले रही से माता के सामने में जो दीपक जला रहे थे, कलश जला रहे थे, वो कलश के लौ एकदम पूरा शिखर तक पहुंच, इस प्रकार से माता जी साक्षात रूप में दीप स्वरूप में दीप स्वरूप जो माता के रूप में वो दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो माता जी के मंदिर के पीछों में एक ढिकुड़िया नाम करके तालाब है, वो तालाब पहले के समय में आदमी मन बताते हैं आजा पुरखावन कि यहाँ से के जो स्रोत है वो केराड़ बांध से लगे हुए,
ऐसे देव मंदिर है और देव तालाब भी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.